प्रेज़ द लॉर्ड फ्रेंड्स, हम लोगों ने जितना तक इब्रानी की पत्री पहले दो तीन वचन पढ़े, आपने देखा होगा कि उसके अंदर कैसे तीन वचन तक भी आपको कितना कुछ रहस्य मिल जाता है आत्मिक जगत का। ओके, जब हम आत्मा के जगत की बात कर रहे हैं, ओके, तो हम लोगों को अगर आत्मिक जगत में हमारा पोजीशन, हमारी जगह को पकड़ना नहीं आया, तो हम कुछ भी करें दुनिया के अंदर, फिर भी जो दुष्टता का जगत है, जो आत्मिक जगत है, जो शैतान का जगत है, वो हमारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहेगा, वो हमारे ज़िंदगी को बहकाता रहेगा, कहीं ना कहीं भटकाता रहेगा। ओके, अब हम लोगों को ये एरिया ऑफ लाइफ समझ में आना चाहिए। हम लोगों ने सिर्फ हमारे दिमाग से आत्मिक जगत के अंदर झांका है पहले तीन वचन पढ़ के, ओके, सिर्फ झांका है। अभी तक हमको और बहुत डीप जाना है उसके अंदर, और भी वचनों का सहारा लेना है उसके साथ साथ। यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्यों प्रभु यीशु मसीह को आत्मा के जगत में देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आत्मा का जगत है जो हर एक बातों को सुलझा सकता है। ये आत्मा का जगत है जहाँ से हमारा मनुष्य जीवन परमेश्वर के द्वारा शुरू हुआ है। ओके, इसका मैन्युफैक्चरर जो आत्मा का जीवन है, वो ही हमारे अंदर से कनेक्टेड रहना चाहिए, वो उसका ही ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हमारे साथ वो कनेक्टेड नहीं है, उसका ज्ञान हमारे अंदर नहीं है, उसके बाद फिर हमको दूसरे आत्मिक जगत कंट्रोल करने लगते हैं। ओके, क्योंकि आपका आत्मिक ज्ञान खाली पड़ा हुआ है, इसकी वजह से दूसरे आत्मिक ज्ञान हमारा कंट्रोल लेने लगते हैं। जैसे फिलॉसफी, ये भी एक आत्मिक जगत में से सोल के बारे में बताता है, इमोशंस के बारे में बताता है, साइकोलॉजी माइंड के बारे में बताता है, थॉट्स के बारे में, इमेजिनेशंस के बारे में बताता है। ओके, ये सारी चीज़ें हमने देखा कि वचन में लिखा हुआ है। सोल के बारे में परमेश्वर बताता है, ओके, प्राण के बारे में परमेश्वर बताता है, मन के बारे में परमेश्वर बताता है, सोचों के बारे में बताता है, ओके, इमेजिनेशंस के बारे में बताता है। हर चीज़ जो दुनिया के अंदर हम स्टडी के बुक्स में से पढ़ते हैं, लोगों के द्वारा लिखे हुए बुक्स में से पढ़ते हैं, जो मसीही नहीं है लेकिन फिर भी वो बता रहे हैं, तो उनके पास ये ज्ञान कहाँ से आया? तो ये ज्ञान है जो वो लोगों ने कलेक्ट किया है आत्मा के जगत में से। ओके, अब आत्मा के जगत के अंदर से अगर आपने ये कलेक्टेड ज्ञान को लेना शुरू किया, तो आपका ज्ञान प्रभु यीशु मसीह का नहीं रहेगा, वो उनका रहेगा जो वो ज्ञान को प्राप्त किए हैं अंधेरे के जगह से। अंधेरे के जगह से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। अंधेरे के अंदर से लिया हुआ ज्ञान आपका कोई फ़ायदा नहीं करा सकता है। ओके, अब ये भी तो आत्मिक जगत है जो अब आप पढ़ते हैं, फिलॉसफी का बुक पढ़ेंगे या फिर कोई साइकोलॉजी का बुक पढ़ेंगे या कोई विचक्राफ्ट का बुक पढ़ेंगे या फिर ओकल्ट प्रैक्टिस का बुक पढ़ेंगे। ओके, ये भी तो आत्मा के जगत के अंदर की बातें बताता है जो साधारण रीति से मनुष्य को मालूम नहीं रहता है। ओके, साधारण रीति से मनुष्य के ज़िंदगी में ये क्या है, क्यों है, कैसे है, जहाँ तक नेचुरल अवस्था में, जहाँ तक स्वाभाविक अवस्था में लोग बातचीत करते हैं, हम उनके व्यवहार को देखते हैं, एक्सपीरियंस को देखते हैं, वहाँ तक ही हमको मालूम रहता है कि ये क्या है। उसके पीछे और भी बातें हैं, ये हमको नहीं मालूम रहता है। फिर वो लोग किताबों से हमारे ज्ञान को बढ़ाना शुरू करते हैं। ओके, जब हम देखते हैं कि हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पे स्कूल के बुक्स रहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश और साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ओके, ऐसे प्रकार के बुक्स रहते हैं, वो हम स्टडी करते हैं। हार्डली उसके अंदर 80-90 पेजेस रहता है सिर्फ, लेकिन फिर भी हम उसको स्टडी करते हैं। उसके बारे में क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, हमारे सोल को वो प्रिपेयर करते हैं वो नॉलेज के साथ। ओके, वो सारा मटेरियल हमारे सोल के अंदर भरा जाता है, फिर हमको आगे बढ़ने के बाद कॉलेज की पढ़ाई मिलती है, वो भी हमारे सोल के अंदर उसको भरा जाता है।
ओके, फिर बाद में हम जॉब के करियर प्रोस्पेक्ट से जो रहता है उस तरह से हम ट्रेनिंग लेना शुरू करते ताकि हम कुछ पैसे कमा सके अभी। अब वो भी ज्ञान हमारे सोल के अंदर भरा जाता है। ओके, हम उसको पढ़ते हैं, हम उसको अपने अंदर पढ़ाई लिखाई के द्वारा लेते हैं, ट्रेनिंग के द्वारा लेते हैं, जिसको हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहते हैं और थियोरिटिकल ट्रेनिंग कहते हैं। ओके, तो हमारे पास ट्रेनिंग्स के द्वारा फिर हमको प्रोफेशनल जॉब मिलने लगते हैं। ठीक है, तो हमारा सोल कंटिन्यू लेता रहता है, ज्ञान लेता रहता है, समझ लेता रहता है और उसको चलाने का बुद्धि लेता रहता है। ओके, और उसको काम में डालता है वो। ओके, तो ये सारा जो भंडार है ये इसके आधार से 80-85% लोग जीते हैं, बाकी लोग सारे स्पिरिट के आधार से जीते हैं। ओके, ये जो आप पढ़ाई लिखाई की है यहाँ तक आपका ठीक है, जहाँ तक आपने प्रोफेशन तक पहुँच गए आप ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया आपको, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि ये सब जो आपके पास आया हुआ है ये आपको भरना पड़ा आपके अंदर। ओके, इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, ये रुकने वाला ज्ञान नहीं है, ये रुकने वाला बुद्धि नहीं है, ये रुकने वाला समझ नहीं है, जिसको हम फाउंडेशन कहते हैं। ठीक है, किसी ने बोला मैंने ये करियर ले लिया तो हम भी सोचते हैं हम भी वही ले ले, लेकिन हमको नहीं मालूम है उसके अंदर के फायदे क्या है, उसके अंदर के नुकसान क्या है। ओके, हर जगह से हमको ये देखना है कि हमारे अंदर से परमेश्वर ने हमको आत्मा बनाया है, मनुष्य आत्मा बनाया है, तो हम ऐसे सोल के रियाम के अंदर ही जीना नहीं है, हमको आत्मा के ज्ञान से भरने की ज़रूरत है। ओके, सोल के रियाम के अंदर का कुछ भी चेंज किया जा सकता है। ओके, सोल के रियाम की शांति को बिगाड़ा जा सकता है, सोल के रियाम के जगहों में गड़बड़ियाँ फैलाई जा सकती है। ओके, अस्थिर किया जा सकता है, डबल माइंड किया जा सकता है, पगलाया जा सकता है, फ्रस्ट्रेट किया जा सकता है, इरिटेट किया जा सकता है। तो सोल के फाउंडेशन में रहा कुछ भी इसके अंदर काम नहीं कर पाएगा अगर आप फ्रस्ट्रेट हो गए। सोल के अंदर रखा हुआ कोई भी मैटर आपका आपको हेल्प नहीं करेगा जब कुछ बिगड़ने लगता है। ओके, सोल के पास वो सब कुछ ठीक करने का पावर नहीं है। ठीक है, अब यही जगह है कि हमने नॉलेज इकट्ठा करना आसान है, ट्रेनिंग लेना आसान है, ओके, पढ़ाई करना आसान है, चुनाव कर लेना आसान है, लेकिन फिर वहाँ कुछ कुछ गड़बड़ी हो गई, अगर हम उसमें फ्रस्ट्रेट हो गए, अगर हमारे रास्ते आगे बढ़ नहीं रहे, डेवलप हो नहीं रहा है, लॉसेस आने लगे हैं, ज़्यादा हमको परेशान हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है, हमारे साथ कुछ सही ढंग से कुछ बन नहीं रहा है, तो ये जगह होता है कि सोल के पास फिर एक्स्ट्रा कुछ आने की ज़रूरत होती है और वो है स्पिरिचुअल पावर। ओके, कि वो बिगड़ते को बना सकता है। ओके, गड़बड़ियों को शांत कर सकता है। ठीक है, जहाँ रास्ते नहीं वहाँ रास्ते को प्राप्त कर सकता है, वो हो गया फिर आपका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम क्यों प्रभु यीशु के बारे में जानने की ज़रूरत है, क्योंकि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में दो ही किंगडम है, एक तो डार्कनेस का किंगडम है और एक परमेश्वर का किंगडम है। ओके, जब हमारे पास डार्कनेस का किंगडम है तो हमारे पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है, अगर प्रभु यीशु का किंगडम है तो हमारे पास डार्कनेस का किंगडम नहीं है। ओके, दोनों एक दूसरे से अलग है। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अंधियारे में से उजियाले को अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। ओके, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इनके बीच में कोई एक मन नहीं है, दोनों के मन अलग अलग है। अंधेरा दुष्टता में चलता है और उजियाला पवित्रता में चलता है। अंधेरा शैतान कंट्रोल करता है, उजियाला प्रभु यीशु मसीह कंट्रोल करता है। ओके, तो
पूरी तरह से यूनिवर्स का कंट्रोल प्रभु यीशु को दिया है। अंधेरे के ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह राज्य करता है। सब कुछ का प्रभुत्व प्रभु यीशु को दिया गया है। ओके, तो स्पिरिचुअल पावर का अपर लेवल लेवल हायर लेवल जो बोलते हैं, हायर एनॉइंटिंग जो बोलते हैं, हायर अभिषेक जो बोलते हैं, जो सब कुछ को बदल सकता है, हर चीज़, हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। ये जो अवस्था है, ये सब अवस्था क्या है? ये अवस्था प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा कर दिया है। ओके, आत्मा के पावर में प्रभु यीशु ऊंचा है और आत्मा के पावर से ही सोल को ठीक रखा जाता है और आत्मा के पावर से ही सोल के द्वारा शरीर भी ठीक रहता है। ओके, अब आपको यह मालूम पड़ना चाहिए कि हमारे अंदर अगर प्रभु यीशु का ज्ञान है तो हमारे अंदर आत्मा का पावर है। अगर प्रभु यीशु के ज्ञान हमारे अंदर नहीं है तो हमारे सोल का बिगड़ा अवस्था को बनाने के लिए आत्मा का पावर का ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ मसीह है लेकिन मसीह के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, ज़्यादा क्या, पूरी जानकारी रखनी है। अगर मसीह है और पूरी मसीह की जानकारी आपके अंदर आप खींचते नहीं है, आपके सोल में आप खींचते नहीं है, तो आपका सोल फिर कमज़ोर रहेगा। और फिर जब फ्रस्ट्रेशन आता है, स्ट्रगल्स आता है, गड़बड़ियाँ आती है, फैसले लेने का समय रहता है, हर समय में फिर आप दुचित्ता हो जाते हैं, डबल माइंड हो जाते हैं, डर जाते हैं या फिर हड़बड़ी मचा देते हैं या पैनिक हो जाते हैं। ओके, तो ये ज्ञान हमको एक और दो और तीन वचन के ही अंदर आपको पता चल गया कि आत्मा के जगत में यीशु मसीह का स्थान महामहिमन के दाहिने हाथ बिठाया गया है। ओके, तो आत्मा के जगत में बाकी सब कुछ झुका दिया गया है, कुछ भी कहीं पर भी ओवर पावर नहीं कर सकता है। और देखो, अगर ओवर पावर करने की कोशिश भी करता है तो उसके लिए परमेश्वर जिम्मेदारी उठाता है उस पावर को झुकाने का। ओके, तो हम वो सेफ साइड में बन जाते हैं जब हमको परमेश्वर के अधीन अपने प्रॉब्लम्स रखना आता है। ठीक है, जब परमेश्वर के अधीन हम अपने आप को रखने लगते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए वो रास्ते खोलता है जो आत्मा के जगत हमको देना नहीं चाहता है। ओके, वो चीज़ें हमारे लिए खुलता है जो आत्मा के जगत हमको दिखने नहीं देता है। वो बातें हमको देना चाहता है जो आत्मा के जगत में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये हमारे लिए है। ठीक है, तो हम बहुत लिमिटेड हैं आत्मा के जगत के बिना, बहुत लिमिटेड है हम। ओके, और परमेश्वर ने कहा कि यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है कि जो पृथ्वी पर मिलता है वो सब स्वर्ग से आना चाहिए, तो वो पृथ्वी को मिलता है। अगर स्वर्ग से नहीं आया तो वो पृथ्वी को नहीं मिलता है। ओके, तो हर एक जगह में आपको प्रभु परमेश्वर दिलाता है चीज़ें, दिलाता है फैसले करना, दिलाता है सक्सेस, दिलाता है सब कुछ जो आपके ज़िंदगी की ज़रूरत है। वो स्पिरिचुअल पावर, वो आत्मा का पावर हमारे सोच के अंदर से होना चाहिए, हमारे साइकोलॉजी में होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए, हमारे मन के अंदर, हमारे सोचों के अंदर, इमेजिनेशन के अंदर हमको उसको स्टडी करके लेना है। ओके, उसको बाय हार्ट करके लेना है, हमारे सोल को ट्रेन करना है। ओके, हमारे सोल को उसके बारे में मालूम होना चाहिए। अब जब वहाँ लिखा है कि परमेश्वर के इकलौते प्रिय पुत्र के हाथों में सब कुछ दे दिया है, ओके, और उसने हमारे लिए एक बार का बलिदान कर दिया है। अब इतना तीन वचन के ऊपर ही आपको पत्रियों में से जानकारी मिलेगी क्या किया प्रभु यीशु ने। ठीक है, देखो पहले से मैं एक बार दोबारा पढ़ती हूँ ताकि हम उसको कंटिन्यू में ले सकेंगे। ठीक है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर, क्यों परमेश्वर को बात करना ज़रूरी पड़ा? क्योंकि मनुष्य केवल सोल से नहीं चलता है, मनुष्य को आत्मा का पावर चाहिए। इसके लिए परमेश्वर आत्मा का पावर प्रोवाइड कर रहा था।
ओके, उसका प्रोवाइड करने का तरीका कैसा था, भांति भांति से भविष्यत वक्ताओं के द्वारा वो बातें करता था, ठीक है, मनुष्य के साथ। तो हमको आत्मा का पावर मिलना चाहिए, ये परमेश्वर की इच्छा है, ठीक है। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। अब ये जो बातें हैं यीशु मसीह के द्वारा की उसने, कि आत्मा का पावर में कैसा चलना है, आत्मा का पावर को कैसा एक्सरसाइज करना है, आत्मा का पावर से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आत्मा का पावर का पीछा कैसे करना है, आत्मा के पावर में बने कैसे रहना है, आत्मा का पावर का भविष्य कहाँ है, आत्मा का पावर कहाँ पर आपको कैसे मिलने वाला है, ये सब जानकारी प्रभु यीशु के पास परमेश्वर ने दे के रखा, ओके। और उसने हमको ये सब बातें मत्ते लुका सुसमाचार जब पढ़ते हैं हम, यूहन्ना मरकुस, उसमें हमको मिलता है। और फिर पत्रियों में से हमको मालूम पड़ता है कि पौलुस पत्रस ये लोगों ने कैसे वो आत्मा का पावर यूज किया, ठीक है, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारे सृष्टि की रचना की। तो आत्मा का पावर का कितना बड़ा गहरा काम, देखो रूट क्या था आत्मा का पावर का, हमको रूट क्या है, उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया यीशु मसीह को, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना भी की। यानी आत्मा का पावर जो है वो आपको ये बता रहा है कि जो आत्मा का पावर लेके आया, जो परमेश्वर की बातें लेकर आया, वो प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा के रियाम में, आत्मा की जगह में उसने ऐसा रिवॉर्ड प्राप्त किया है परमेश्वर के द्वारा, कि उसके ही द्वारा सब वस्तुएं ठहराई जाती है और उसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई है, ओके। अब ये एरिया ऑफ लाइफ आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है कि आत्मा के जगत में प्रभु यीशु के बात सुनना जरूरी है, ओबे करना जरूरी है, प्रभु यीशु का मानना जरूरी है, प्रभु यीशु को सहमत हो जाना जरूरी है, क्योंकि वो आत्मा का पावर है, ओके। अगर वो आत्मा का पावर को हमने एकदम अपने जिंदगी के अंदर हमारा फाउंडेशन बना लिया, हमारे सोल को वो आत्मा का टीचिंग दिया, ट्रेनिंग दिया, एजुकेशन दिया, तो हमारा सोल हड़बड़ी नहीं मचाएगा, हमारा सोल समय के अनुसार काम करेगा, ओके। हमारा सोल आए दिन गए दिन हर एक जगह में पावरफुल रहेगा। हमारा सोल वो पावर प्राप्त करना चाहिए जिसको कोई गड़बड़ी हिला नहीं सकती है, कोई चीज़ उसके सामने खड़ी नहीं रह सकती है, ओके। हर जगह में आत्मा का पावर हमारे सोल के अंदर के ज्ञान के आधार से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, ओके। तो हमारे सोल को मालूम होना चाहिए कि हमारे पास कौन सा आत्मा का पावर है, हमारे सोल को अनजान नहीं रखना है, अज्ञान नहीं रखना है, ट्रेन करना है, प्रोफेशनली उसको ट्रेन करना है कि ये है सोल के लिए सपोर्ट, ओके, ये है सोल का बैकबोन। हमारा आत्मा का पावर हमारे सोल का बैकबोन है, ओके। हमारा आत्मा का पावर हमारे बॉडी का बैकबोन है, ओके, हमारी स्ट्रेंथ है, ओके। ये हमारे सोल के अंदर का पूरा माहौल आत्मा के पावर को लपेट लेना चाहिए, ठीक है। पूरी तरह से हमारे अंदर आत्मा का ज्ञान भर जाना चाहिए कि ये वो जगह है जहाँ से हमको रिहाई मिलती है, जहाँ से हमको आनंद मिलता है, जहाँ से हमको बातें सीखने को मिलती है, जहाँ से हमको आगे बढ़ने के रास्ते मिलते हैं, जहाँ से हमारे ज़िंदगी का डेस्टिनेशन हमको दिखाई देता है, जहाँ से हमारे चुनाव बनाना आसान हो जाता है। इतनी सारी बातें, सब कुछ जो ज़िंदगी को चाहिए, जो जनरेशन को चाहिए, जो हमारे आने वाले समय को, अभी के समय को चाहिए, ये सारा जो है वो हम सोल में ढूंढते रहते हैं, ओके। कोई परेशानी आएगा तो हमारा सोल ढूंढता रहता है उसकी हल को,
कैसे हल करे, कहाँ से हल करे, किससे हल करे, किसका मदद ले, कहाँ पर जाए, फिर हमारा सोल के पास जो ज्ञान रहता है, एक्सपीरियंस रहता है, उसके आधार से हमारा सोल हमको बताता है कि उस दिन नहीं क्या वो इंसान ने हमको हेल्प किया था, हम उसी के पास जाएंगे, नहीं तो नहीं क्या उस दिन हमने वैसे किया था, हम आज भी वैसे ही करेंगे, नहीं उस दिन हमने वो जगह पे हम ऐसे किया वैसे ही आज भी जाएंगे। तो हमारी जगह में सोल का ज्ञान काम नहीं कर सकता है, ओके? हम सिर्फ चिंता करते हैं और वो सोल का ज्ञान हमको जो रास्ता दिखाता है उसके पीछे हम निकल पड़ते हैं, ओके? और उस सोल के पीछे निकल पड़ने की वजह से हमारे अंदर का एक दुविधा मन रहता है, क्या पता होगा कि नहीं, क्या पता सक्सेस होगा कि नहीं, क्या पता हमारे ज़िंदगी का जो हम हल ढूंढ रहे वहाँ मिलेगा कि नहीं, हम दुचित्ता मन रहते हैं, ओके? और हम डरते रहते हैं कि क्या पता हमने सही रास्ता लिया है कि नहीं, क्या पता हमारे साथ सही होगा कि नहीं, क्या पता हमारे लाइफ का सच में क्या होने वाला है, आगे कैसे होगा कुछ पता नहीं चल रहा, क्या करेंगे क्या करेंगे। तो आपको ये सारा सवाल का जवाब ही नहीं है सोल के पास, ओके? सोल को मालूम है उसके पास जवाब नहीं है, इसके लिए वो आपको जवाब नहीं देता है, इसके लिए आपको इनसिक्योर महसूस होता है, ओके? दुनिया के अंदर जो इविल किंगडम के साथ है वो कभी भी अपने आप को इनसिक्योर नहीं समझेगा, क्योंकि उसको मालूम है वो इविल किंगडम का पावर को कैसे एक्सरसाइज करना है। जो परमेश्वर के किंगडम में है उसको मालूम होना चाहिए कि हम इनसिक्योर नहीं है, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का पावर कैसा इस्तेमाल करने का हमको मालूम है। ये कैसे मालूम है? तो हमारे सोल को हमने ट्रेन किया, ओके? लेकिन जब ट्रेन नहीं रहता है तो इविल किंगडम में भी अगर किसी को स्पिरिचुअल पावर कैसे यूज़ करना है, ट्रेनिंग उसके सोल को नहीं दिया गया, तो वो एकदम हड़बड़ी में रहेगा, वो अपने आप को सही ढंग से चला नहीं पाएगा। वैसे ही परमेश्वर के किंगडम में भी अगर सोल को सही ढंग से ट्रेनिंग नहीं दिया तो सोल भी हड़बड़ी में रहेगा, ओके? चाहे मसीह हो तो भी वो गड़बड़ी में रहेगा और वो डरता कांपता रहेगा, हर जगह में वो दुचित्ता मन रहेगा, करूँ नहीं करूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं। आपका सोल कंट्रोल मतलब आपका सोल स्टेबिलिटी नहीं है। तो सोल का एरिया को प्रभु यीशु का ज़रूरत है, ठीक है? सोल इतना इनसिक्योर है बिना परमेश्वर का कि आप समझ नहीं पाते हैं। आपका सोल मसीही होने के बाद में आपका सोल को परमेश्वर का ज्ञान होना ज़रूरी है, आपके सोल को परमेश्वर का नॉलेज होना ज़रूरी है। परमेश्वर ने आपके सोल के लिए प्रभु यीशु के पास कौन सी बातें बोली ये जानना ज़रूरी है, ओके? परमेश्वर ने आपके सोल के लिए कौन सा एरिया ऑफ लाइफ कैसे एक्सरसाइज करना है, कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से अपने रास्ते बना लेना है, किस तरह से अपने प्रमोशंस को लेना है, किस तरह से अपनी चंगाई को लेना है, किस तरह से अपने फाइनेंस को स्टेबल करना है, किस तरह से आए हुए दिन सारे समय किस तरह से आनंद से गुजर जाना है, कैसे हमको आगे निकलना है, कैसा हमारा फ्यूचर बनाना है, ये सब कुछ का परमेश्वर के पास आपके सोल को देने के लिए बातें थी और वो बातें प्रभु यीशु के पास दे दिया है उसने, ओके? अब आपका सोल सिर्फ उसके अंदर स्टडी करना चाहिए, उसके अंदर ग्राउंड हो जाना है, ग्राउंड हो जाना है, पिस जाना है, आपका सोल उसके अंदर पिस जाना है, पूरी तरह से परमेश्वर के वचन में वो घुल जाना है, ओके? जैसा आपका सोल पूरी तरह से वचन के अंदर मिल गया, ओके? एक मन हो गया, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई दुचित्तापन नहीं, कोई प्रकार का डाउट नहीं, कोई डर नहीं, कोई इनसिक्योरिटी नहीं, जब ऐसा माहौल आ गया आपके लाइफ में, खत्म। उसके बाद यही कहा जाता है कि आप स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग है, ओके? जहां तक आप इस मकाम तक पहुंचते नहीं है तब तक आपके पास डाउट रहेगा, फियर रहेगा, इनसिक्योरिटी रहेगा, हड़बड़ियाँ रहेगी, कन्फ्यूशंस रहेगा, ओके? आए दिन गए दिन कुछ ना कुछ आपको परेशान करेगा, आए दिन गए दिन फ्रस्ट्रेशन होगा, कोई ना कोई प्रकार से आपको परेशानी लगेगी। तो ये सोल का स्ट्रेंथ आपके पास नहीं है, स्पिरिचुअल वीक है आप,
इसे कहते हैं स्पिरिचुअली आप वीक है, ओके। तो ये वीकनेस को अब हम हटा रहे हैं माय फ्रेंड्स। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं दौड़ रही हूँ ये चैप्टर को लेके, इब्रानियों के पत्री को लेके मैं बहुत ज़्यादा नहीं दौड़ रही हूँ, बहुत धीमे धीमे चल रही हूँ, क्योंकि ये एरिया है आपको समझ में आना चाहिए, ये सोल का एरिया है जिसे परिपक्वता की ज़रूरत है। ये सोल अगर परमेश्वर के वचनों को समझ नहीं रहा है तो हमको बस छाती पीट पीट कर परमेश्वर से मांगना है कि तू खोल रहस्य हमारे लिए, हमको चाहिए, क्योंकि बिना ये परमेश्वर के रहस्य खोले आप और हम कमज़ोर रहेंगे, ओके। तो ये रहस्य हमको, ये भेद हमको जहाँ 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 से प्राप्त होता है हम उसका पीछा करना है, ओके। अगर हमको प्रॉफिट यूबर्ट एंजल से प्राप्त हो रहा है ये रहस्य जानने का, तो हमारे सोल को उनसे ट्रेनिंग लेने के लिए छोड़ देना है। अगर प्रॉफिट शेपर्ड बुशेरी से हमको मिल रहा है, उनके लिए हमारे सोल को लगा देना है ट्रेनिंग के लिए, ओके, ले लेना है। अभी तो ऑनलाइन हो रहा है सब कुछ, तो आपको वेट नहीं करना है, आप लगा देना है अपने सोल का टाइम, लगा देना है उनसे कुछ प्राप्त करते रहना है, सोल का ज्ञान प्राप्त करते रहना है, सोल में प्रोफेशनली प्रभु यीशु मसीह को कैसा हमको लेके चलना है ये हमने प्राप्त कर लेना है, ओके। और वो बताते हैं, उसका नोट्स बना लेना है, वो बताते हैं वैसे वैसे हमको लिख लेना है। और जब सर्विसेज आते हैं, संडे सर्विसेज, थर्सडे सर्विसेज, जब ट्यूसडे सर्विसेज आते हैं, तब अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज में से जो मिलता है, जो सर्मन्स के स्पेशली बाजू में कर देते हैं, वो सर्मन्स को अलग सा एक यूट्यूब में देखेंगे आप, अलग सा एक पोर्शन निकालते हैं वो, ओके। वो आपको लेना है, उसको लेके आप स्टडी करना है जब आपको हिंदी लैंग्वेज में सुनना है तो, ओके। हर जगह आपको ये बात समझ में आना चाहिए, जहाँ से आपका सोल को ट्रेनिंग मिलता है वो ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। उसके लिए आप बंधे पड़े नहीं रह सकते कि मैं इस चर्च का हूँ, मैं उस पास्टर के अधीन हूँ, मैं इनका नहीं सुन सकता हूँ, मैं उनका नहीं सुन सकता हूँ। आपका सोल ट्रेन नहीं कर पाएंगे आप। ये सब परमेश्वर ने दिया हुआ, आपके लिए दिया हुआ, ये पृथ्वी के ऊपर दिया हुआ, रखा हुआ सिस्टम है, ओके। परमेश्वर का सिस्टम है और आप परमेश्वर के घर के अंदर है, और ये परमेश्वर के सिस्टम को एक्सेस करना है आप, ओके। जब आप एक्सेस करेंगे तो आपके सोल की ताकत परमेश्वर के आत्मा से भरती जाएगी, ओके। अगर आप एक्सेस नहीं करेंगे तो वो एरिया ऑफ लाइफ आपका खाली पड़ा रहेगा, और वही वीकनेस होता है, वही कमजोरी होता है जहां आप अटैक्स सह नहीं पाते हैं। समझ में आया? तो हमारे अंदर का ये एरिया ऑफ लाइफ रूखा पड़ा होगा, गिरा हुआ है, टूटा हुआ है, ओके। अगर इसके बारे में हमको पहले मालूम नहीं था, अभी मालूम पड़ गया है, तो हमको ये बात को अभी ले लेना है और हमें समझ जाना है कि अब जो चल रहा है, हमारा चल रहा है माहौल, अभी हम जो इब्रानी के पत्री में से होकर निकल रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं? हमारे सोल को तैयार कर रहे हैं, हमारे सोल को परमेश्वर की पहचान करा रहे हैं, हमारे सोल को प्रभु यीशु की पहचान करा रहे हैं, हमारे सोल के अंदर वो नॉलेज हम भर रहे, विजडम अंडरस्टैंडिंग हम भर रहे। अब ये सोल जितना लेगा अंदर, जितना हमारे अंदर वो सोल लेता जाएगा, लेता जाएगा, लेता जाएगा, वैसे वैसे आपको डर निकल जाएगा, इनसिक्योरिटी निकल जाएगा, आपके अंदर के फैसले बनाने के डर निकल जाएंगे, आपके अंदर के आगे बढ़ने के डर निकल जाएंगे, हर प्रकार का आपका दुविधा निकल जाएगा, कन्फ्यूशंस निकल जाएगा, आप सीधी तरह से सोचने लगेंगे, सही को सही बोलेंगे, गलत को गलत बोलेंगे, कोई प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपको मन नहीं करेगा, जो सच्चाई है वो आपको सही ढंग से दिखाई देगा, पहचानना आ जाएगा, ये जगह आ जाएगा आपके पास कि आपके लिए आपका लाइफ फ्री हो गया है, ओके। आप सही ढंग से प्रभु में चलना शुरू हो गए हैं, ये आपके पास कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। हम प्रभु यीशु के लिए आगे का इंतज़ार रखेंगे कि ये अगले वचन के साथ हमको परमेश्वर पढ़ाए, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आगे लेकर चले। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।